एक बार फिर स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए देखिए हमारे साथ देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। सपा स्टार प्रचारक तजिंदर सिंह विर्क के महानगर आगमन पर सिख समाज द्वारा फूल मालाओं, सरोपा व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सपा अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव अभिषेक टिंकू अरोड़ा के आवास पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सपा स्टार प्रचारक तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा ने अपने शासनकाल में जितने विकास कार्य प्रदेश में करवाए उतने भाजपा ने भी नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा व प्रदेश में सपा भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगी। इस दौरान गुरविंदर सिंह, हरनीत प्रिंस, सन्नी बग्गा, मनेंद्र सिंह, जगजोत सिंह, गुरप्रीत सिंह खालसा, अमीजोत सिंह, जितेंद्र सिंह, गगनदीप सिंह, प्रणीत सिंह, राजकुमार वाल्मीकि, प्राची बिश्नोई चावला आदि रहे। समस्त सिख समाज, हमारा निशान गुरुओं की देन, आज अपने मुख्य अतिथि सरदार तजिंदर सिंह विर्क, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उन्हें आज सहप्रेम भेंट करने का कार्य कर रहे हैं। लगा कर कह रहा था दूर तक अपराधी नजर नहीं आ रहा यूपी में, और बगल में अजय शेट्टी नहीं खड़ा था। पांच किसानों के हत्यारा बगल में खड़ा हो, इससे ज्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने निगरानी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जरूर सलाखों आज जेल में नहीं गया, समय आएगा जेल की सलाखों में गृह राज्य मंत्री भी होंगे। लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान सम्मान भाईचारा चाहते हो और उन 750 किसानों के हत्या का अपमान का बदला लेना चाहते हो, तो आने वाली 14 तारीख को फिर ये फैसला आपको सहारनपुर के लोगों को करना है कि वोट कातिल को देना है या जो लोग शहीद हुए उनके अपमान को बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए समाजवादी पार्टी को देना है। ये फैसला सहारनपुर की जनता को करना है। इन्होंने नफरत का बीज बोया था 2017 में इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश ने भाईचारा फिर दोबारा कायम किया। जो भाईचारा तोड़ा था भाईचारा फिर बना है, और जिधर जिधर पश्चिम गया है, जब जब फैसला हुआ है, 2012 में जिधर पश्चिम गया तो सरकार बनी थी, 2017 में जब जिधर पश्चिम उत्तर प्रदेश गया सरकार बनी। लेकिन इस बार भी आपको बता दें, हम पिछले 4 दिन से पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली, बागपत, तमाम जिलों में होते हुए आ रहे हैं। यही इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पहली नजर।